हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो है कार्बन, और कार्बन क्या है, एक वर्साटाइल एलिमेंट्स है। ठीक है, अब कार्बन के बारे में आप क्या जानते हो कि कार्बन ये एक एलिमेंट्स है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 6 आता है। जैसे अपन कार्बन के बारे में अगर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4 है, साथ में इसका सिंबल सी है, बराबर। ये अपन जानते हैं कार्बन के बारे में। ठीक, अब कार्बन को क्या बोला है, वर्साटाइल एलिमेंट्स। अब वर्साटाइल का मतलब समझ लो आप, ऑलराउंड समझ में आता, जिसको अपन ऑलराउंडर बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऑलराउंड का मतलब क्या होता, जो सभी जगह पे आपको पाया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्मॉल एलिमेंट अगर लिया मीथेन, बराबर है, मीथेन है सबसे स्मॉल अमाउंट वाला है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर, CH4 है ना, मीथेन। उसमें कार्बन एक ही होता है, सिंगल ही होता है। मीथेन से लेके अगर मैंने डीएनए तक लिया, डीएनए अपने बॉडी में होता है, पता है ये चीज आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर में अलग अलग आप पढ़ चुके हो, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ATCG कोडॉन का काम करता है, एंटीकोड फॉर्म करते हैं, मैसेंजर होते हैं, मतलब जो mRNA है, tRNA है, जो टाइप्स ऑफ RNA है, ये सब आप पार्ट 2 में पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके होंगे, इसको आपका नॉलेज होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, कार्बन जो है ये वर्साटाइल एलिमेंट क्यों है, साथ में ये कार्बन जो है आपको पता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, इसकी वैलेंसी 4 है और ये 4 अदर एलिमेंट को अपने साथ में ज्वाइन कर सकता है या फिर कुछ ज्वाइन हो सकता है, बराबर। यही प्रॉपर्टी जो है ये कार्बन की है, साथ में ये जो है कार्बन, इसका जो कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है, क्या बोला मैंने, कार्बन कंपाउंड्स का क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर मास, ये नियर अबाउट, क्या बोला मैंने, नियर अबाउट 10^12 इतना हो सकता है, या फिर इतने नियर अबाउट ये होता है। ठीक है, अब ये जो है कार्बन, ये वर्साटाइल एलिमेंट क्यों है, आपके किताब में इसके 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, एक डॉट स्ट्रक्चर दिया है, मतलब सर्कुलर वाला दिया है, या फिर और एक कोई दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको दिया है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये कार्बन कंपाउंड्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास नियर अबाउट 10^12 है, साथ में इसकी जो आपको क्या पढ़नी होती है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकेंड ना, ये जो है इसकी आपको क्या पढ़ना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये कार्बन आपका वर्साटाइल क्यों है। ठीक है, जैसे आप कार्बन के बारे में पढ़ते हो, कार्बन के कुछ अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसी प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर अपन इसका पहला पॉइंट पढ़े तो वो आएगा बेटा कैटिनेशन। ठीक है, आपके किताब में दिया है बोलना वैसे, तो ये कैटिनेशन, कैटी टी है ये, कैटिनेशन, इसको बोलते हैं मालिका बंधन। मालिका बंधन का मतलब क्या होता है बेटा, कि फर्स्ट कार्बन ये जॉइंड होता है अनदर कार्बन के साथ में। ठीक है, अब कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन की एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों है, कार्बन को क्या बोलते हैं, ये देखो इसे यहाँ पे 4 है तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, वैलेंसी 4 होने के कारण। तो कार्बन क्या करता है, अपनी रिमार्केबल प्रॉपर्टी जो है टेट्रावैलेंट की, तो वो क्या करते हैं, अदर 4 कार्बन को लिंक होता है, दूसरा कार्बन अदर 4, ऐसे 4-4 को लिंक करते करते कार्बन ये अपना रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, ह्यूज स्ट्रक्चर बनाता है, और वहां से वो जो अपन मोनोमर्स जैसे पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर अगर अपन कार्बन का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो जो कार्बन की पहली रिमार्केबल प्रॉपर्टी है वो है बेटा कैटिनेशन, समझ में। दूसरी प्रॉपर्टी अगर अपन देखेंगे कार्बन की, टू कार्बन एटम्स अगर है, क्या बोला मैंने, टू कार्बन एटम्स अगर है आर जॉइंड टू कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोला मैंने,
जो दो कार्बन है, कार्बन कार्बन या वर्सेटाइल क्यों है, अगर कार्बन या कार्बन के साथ में अगर जॉइंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं। किससे जॉइंट्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। अब कोवेलेंट बॉन्ड अपन पढ़े तो इसमें पहला अपन कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े बेटा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं जो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होता है, उसे अपन अल्केन फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। इसके बाद में अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबको पढ़ना है, वो देखेंगे ठीक है। दूसरा जो बॉन्ड पढ़े हैं वो पढ़े बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड पढ़े? डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल होता है उसे बोले अपन ने अल्कीन। क्या बोले उसे? अल्कीन। चलो थर्ड जो है, थर्ड जो पढ़े अपन वो पढ़े बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल होता है उसे बोलते अपन अल्काइन, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये जो थी कार्बन की बॉन्ड की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर अपन देखेंगे तो ये होता है टेट्रावेलेंट वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा आपको पता है, टेट्रावेलेंट वन कार्बन एटम मतलब जो भी कार्बन एटम है वो क्या रहेगा आपका, टेट्रावेलेंट रहेगा वन कार्बन एटम। कैसे? देखो सबसे पहले टेट्रावेलेंट वन कार्बन एटम है तो वो कैसे रहेगा, जैसे अपना ये पहला है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है बेटा 6, कितना है 6। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखे अपन तो 2 और 4। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर अपन इसका निकालते हैं या फिर अपन मीथेन का स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे अगर हाइड्रोजन अपन अटैचमेंट नहीं करते हैं तो वो इस प्रकार से रहेगा। मतलब कार्बन के पास में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब जो अपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर निकाल दूँ तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, मतलब कार्बन के अलॉन्ग में जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के वो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा? 4 रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 एटम्स कार्बन के रहेंगे, क्योंकि कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। क्यों बोलते हैं समझ में आया? क्योंकि इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अराउंडिंग में है और वो क्या है, टेट्रावेलेंट है वन कार्बन एटम्स। गॉट पॉइंट। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी, मतलब सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है बेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म ये पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना जरूरी है, आइसोमर्स पता होना जरूरी है। अब आइसोमर्स क्या होता है आपका, आपने पढ़ा है इसके पहले, उसमें क्या होता है आइसोमर्स में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसी को अपन जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, और डिफरेंट क्या होता है उसका, डिफरेंट क्या होता है उसका, स्ट्रक्चर। डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर। अगर ऐसा है उसको बोलते हैं अपन आइसोमर्स। आइसोमर्स इज डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच इज शोज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। अब जो आइसोमर्स रहेगा ये तो हो गया आइसोमर्स की डेफिनेशन, और जो उसकी क्या रहेगी, प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, जो उसकी क्या रहेगी, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समझ में आया? द प्रॉपर्टी शोज इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। समझ में आया? तो ये जो था आपका सिंपल कंसेप्ट था बेटा, कार्बन और वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल का मतलब होता है ऑलराउंडर, जिसको बोलते हैं सभी जगह पे पाया जाने वाला, इवन अपने बॉडी में भी, क्योंकि डीएनए आ गया तो अपनी बॉडी आ गई। समझ में आया? इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।